ॐ रं रामाय नमः। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते हैं कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को भरपेट भोजन मिले, वह छोटे बड़े मिलजुल कर रहें, विदेशी आक्रमणों, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियों के अंधकार से व्याप्त मध्यकाल की सामाजिक दुर्दशा में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने अपने कर्म, वाणी और भक्ति से संसार को सद्मार्ग का प्रकाश दिखाया। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पूरा जो देखन में चला पूरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा आपना मुझसे बुरा न कोई। 642 वर्ष पूर्व जन्मे रैदास जी का मध्यकाल के संत कवियों और साधकों में एक विशिष्ट स्थान है। गुरुदेव, मुझे सभी प्राणियों में ईश्वर का आभास होता है, लगता है सर्वोच्च शक्ति ने सभी को जोड़ रखा है। उत्तम विचार रविदास। सभी प्राणियों में दिव्यता को पहचानना आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है, अब यही ज्ञान पूरे संसार में बांटो। दिव्य गुरु रामानंद जी से दीक्षित रैदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा पर चलकर सामाजिक समरसता के एक ऐसे प्रेरणा पुंज बन गए कि मीराबाई अपने महलों से निकलकर उनके चरणों में बैठकर कहती हैं, मीरा माने संत है, मैं संतारी दास, जिन चेतन आत्म करियो धन भगवान रे दास। मीराबाई एक रानी होकर एक चर्म शिल्पी को गुरु का स्थान देती हैं। आप धन्य हैं। संत रैदास जी की शिक्षाओं को हर पंथ, हर वर्ग ने अपनाया। गुरु नानक देव जी ने उनके संदेश को प्रसारित किया तो अर्जुन देव जी ने उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तत्कालीन शासक सिकंदर लोधी स्वयं उनके दर्शन करने आया। संत रविदास जी की सामाजिक समरसता की शिक्षा आज भी समाज के हर वर्ग को एकता के सूत्र में बांध रही है। ऐसे संत शिरोमणि के सामाजिक समरसता के मूल्यों को आदर्श बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के समग्र विकास के अभिनव मिशन का अद्वितीय नेतृत्व कर रहे हैं। इसी जन कल्याणकारी मिशन में अपनी आहुति देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संत रविदास जी के आदर्शों को मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 25 जुलाई से समरसता यात्रा शुरू की है, जो प्रदेश के 50 जिलों के 55,000 गांवों से होकर आज सागर पहुंची है, जहां 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में संत रविदास जी के भव्य मंदिर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, संत श्री के जीवन मूल्यों और साहित्य के दर्शन के लिए 4 गैलरीज व सर्व सुविधा युक्त भक्त निवास का निर्माण किया जाएगा। सामाजिक समरसता की यह यात्रा इस पवित्र मंदिर के साथ जनमानस में निर्बाध चलती रहेगी। रविदास जी महाराज के मंदिर व म्यूजियम का शिलान्यास आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है।